बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। बीते महीने 14 जून के दिन सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत ने 14 जून के दिन इतना बड़ा कदम उठाया कि पूरा देश हैरान रह गया। वहीं सुशांत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर लगातार फैंस अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक ओर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं मुंबई पुलिस अब तक सुशांत केस की जांच में भी जुटी हुई है। अब तक पूरे 38 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब हाल ही में सुशांत केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में सुशांत की विसरा रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि सुशांत के शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं था। जहां एक ओर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक महीने से ज्यादा बीत चुका है, तो वही लगातार कई तरह की तमाम बातें भी की जा रही है। लेकिन अब फॉरेंसिक विश्रा रिपोर्ट सामने आई है और इस विश्रा रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा हुआ है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि फॉरेंसिक लैब ने ये रिपोर्ट बांद्रा मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। वहीं किसी तरह के फाउल प्ले से इनकार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि सुशांत के शरीर में किसी भी प्रकार का कोई जहरीला पदार्थ या फिर कोई केमिकल नहीं पाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि जल्द ही नाखून का सैंपल रिपोर्ट भी सामने आएगा और इसके जरिए पता चलेगा कि आखिरकार सुशांत के साथ कुछ हुआ था या फिर नहीं, निधन से पहले सुशांत के साथ क्या हुआ था क्या नहीं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन अब ये दूसरी विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।